पहली बात तो जो पूर्व की सरकारें थी उस सरकार में नो वर्क फुल पेमेंट, काम कोई नहीं और पेमेंट पूरा हो जाता था। अब भी यही चाहते हैं, लेकिन ये माननीय योगी जी की सरकार है और यहां का विधायक जखनिया का विधायक बेदी राम है। जब तक बेदी राम इस जखनिया में जखनिया का विधायक रहेगा, तब तक ये जो सड़कों में हेरा फेरी और भ्रष्टाचार है वो नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज, आप एमबी मांगने की बात कर रहे हैं, तो जो सहायक अभियंता मिस्टर उनका नाम खुर्शीद अहमद है, उनसे मैंने एमबी मांगा तो उन्होंने कहा कि एमबी नहीं दी जाती है। तो इस पर मैंने कहा कि एमबी ही हमने कहा कि यूनिशियल एमबी मुझे दे दीजिए, जो रिकॉर्ड एमबी जो रिकॉर्ड मेजरमेंट बुक होती है उसे दे दीजिए, फोटो स्टेट दे दिए। उन्होंने देने से मुझे मना किया। तो ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, ये जो रोड आप पूछ रहे हैं ये जखनिया क्रॉसिंग से गुरैनी तक जो सादियाबाद संपर्क मार्ग है ये लगभग 7-8 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को बना रहे हैं। इस रोड में पहले एक महीने पहले इसका जो है गड्ढा मुक्ति का पेमेंट हुआ है 15 लाख रुपया। फिर उसके तुरंत बाद एक महीने बाद इसको पुनः नवीनीकरण का इसका ठेका हो गया। तो ये जो है एमबी मैं इसलिए मांग रहा था कि एमबी में ही सब कुछ होता है। जैसे ये है, ये देख लीजिए, ये जो है पानी आधा पहले से भरा हुआ है और इसको इन्होंने फुल कर दिया। तो मेजरमेंट में ही होता है कि आधा जो है आधा पहले से था और आधा आपने भरा है, तो इसका फुल मेजरमेंट बना के फुल पेमेंट करा लेंगे। यही है, यही भ्रष्टाचार है। तो मैंने कहा कि कितनी हम भाई जो एमबी से ही कितनी सड़क की मोटाई है, गिट्टी 10 नंबर की 13 नंबर की 16 नंबर आप डाल रहे उसी में लिखा है, और कि किस मटेरियल से किस एस्टीमेट से आप बना रहे। कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, किस तरह से कितने पिलर रहेंगे ये सब पहले नक्शा तैयार करते हैं। उसको मैं देखने के लिए मांग रहा था जिससे भ्रष्टाचार ना हो। आज वो बना के चले जाएंगे, कल हमें जो यही पब्लिक कहेगी कि ये विधायक जो है ये कमीशन ले लिया इसलिए ये रोड उखड़ रहे। रोड ऐसी बना रहे थे जो एक बरसात भी झेल नहीं सकती थी। ऐसा में विधायक जी आप इसकी बात कर रहे हैं और जो अवर अभियंता है उन्होंने सड़क को लेकर सादियाबाद थाने में तहरीर भी दिया है कि वहां पर कुछ लोग जो है वीडियो को वायरल करने की गरज से जो है उस पर डीजल गिरा के उसे खराब कर रहे हैं। ये तो भाई ये तो हमको ये सुनने को आप ही लोगों से जब आप लोग मुझे पास आए बताने लगे तब मैं इसको जाना। मुझे मैं टेक्निकल तो हूं नहीं कि इसको करने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है। और दूसरी बात, ये मेरे खिलाफ एक साजिश है जो मैं भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूं कि एमबी में भ्रष्टाचार है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है कि किस तरह से जखनिया के विधायक को बेदी राम को बदनाम किया जाए। ये एक साजिश है और ये एएन जो खुर्शीद आलम ये जो ठेकेदार है और पेटी ठेकेदार जो दबंग है उनसे कोई पूछ नहीं सकता कि ये सड़क कैसे बना रहे हैं। उन लोगों को ये एक कड़ी का काम उनके बीच में करते हैं, उन लोगों को ठेकेदारी दे रहे हैं जितना लूटपाट करना हो, जितना भ्रष्टाचार करना हो और खूब मनमानी तरीके से कर दिए। लेकिन मैं जब तक इस जखनिया में हूं तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। ऐसे में ये भी जानकारी में आया है कि आपके कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि जो सड़क है सड़क का जो काम चल रहा है उसका पेमेंट पहले हो चुका है और सड़क अब बन रही है, क्या मामला? जी 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 आप सही प्रश्न किए हैं। ये देखिए ये गड्ढा मुक्ति का तो पेमेंट हो चुका है, इसको गंभीरता से लीजिए आप। और ये जो रोड अभी अप्रैल में बन रही है इसका पेमेंट मार्च में हो चुका है। ये उनसे आप पूछिए कैसे जो है मार्च में इसका पेमेंट हो गया, और इसका पेमेंट मार्च में हो गया है
और मार्च में पेमेंट हुआ है, ये जो है पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए भ्रष्टाचार है ये, कि आपने जब तक गिट्टी न गिर जाए और सामग्री न गिर जाए तब तक पेमेंट नहीं हो सकता। आप पहले को मार्च में क्यों, ये 25 अप्रैल से बनना चालू हुई है और मार्च के पहले वीक में ही ये पूरा पेमेंट, इसका सड़क का पेमेंट हो चुका है, गड्ढा मुक्ति का भी और इसका भी, ये सड़क का जो बन रही है। इस चीज को पूछिए आप, एजेंट पूछिए। और इसके लिए मैंने बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात भी किया है, जो एमबी कोई ऐसा गोपनीय दस्तावेज तो नहीं, वो पब्लिक भी मान सकता है। मैं तो विधायक हूं, मैं तो सारे रजिस्टर सारे डॉक्यूमेंट मांग सकता हूं, ये मेरा विशेषाधिकार है। और वो कह रहे हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये तो पब्लिक भी ले सकती। आज ये हालत हो गई बेदी राम ने जखनिया विधानसभा में, का अन्य विधानसभा में ये हालत कर दिया है कि पब्लिक भी आके रोड बन रही तो रोक रहा है। अगर मानक के अनुसार नहीं तो पब्लिक की भी हिम्मत अब हो गई है कि वो आके रोक रहा है कि सड़क अच्छी। और अभियंता का यह कहना है कि जखनिया विधानसभा में इन दिनों वीडियो वायरल करने का लोगों को शौक चढ़ गया है। तो जब आप गलत भ्रष्टाचार करेंगे तो वीडियो तो वायरल होगा ही। वीडियो तो मैंने बताया ना कि ये योगी जी की सरकार है, अगर शासन की मंशा के अनुसार सड़क का निर्माण नहीं होगा तो वीडियो वायरल होगा। ये ऐसे में आप जो आरोप लगा रहे कि सड़क का भ्रष्टाचार है, मार्च में भुगतान कर दिया गया, सड़क का बनाया जा रहा, इसको लेकर के आपने विभागीय अधिकारियों को कंप्लेंट? जी, मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख दिया है, प्रमुख सचिव को भी लेटर लिख दिया है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को भी लिख दिया है तथा तमाम अधिकारियों को मैंने लिख दिया है, चीफ को भी जानकारी दे दिया है और ये और भी अन्य अधिकारियों को भी दे दिया है। जिलाधिकारी को या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को आपने कोई पत्र या शिकायत किया है? जिलाधिकारी को तो मैंने नहीं कहा, जिलाधिकारी को मैंने 3 बार एक लेटर दिया था कि मुझे जो भी काम शुरू होता है, जो काम कितने का हो रहा है, कौन ठेकेदार है, किस तरह से, जिससे मैं उसकी गंभीरता से देख रेख कर सकूं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, न किसी काम की जानकारी दी जाती है।